हमारा सब्जेक्ट है बीएसटी जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम हर्षित चतुर्वेदी है और मैं आपको बीएसटी पढ़ाऊंगा पढ़ाऊँगा तो आपको पता है ठीक इससे पहले भी आपने बीएसटी पढ़ी है तो हमारा आज का चैप्टर फर्स्ट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ठीक है मैनेजमेंट का क्या नेचर होता है किस रूप में होता है वो आपको इस चैप्टर में पता चलेगा तो आइए सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से ठीक तो डेफिनेशन हमारी क्या है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकम्पलिश सेलेक्टेड एम्स तो मैनेजमेंट की मेन डेफिनेशन क्या होती है जो तो मैनेजमेंट होता है एक प्रोसेस होता है डिजाइन का और मेंटेन करने का ऐसा मतलब ऐसा इन्वायरमेंट और डिजाइन करना होता है जिसमें जो एक सिंगल पर्सन है वो दूसरे पर्सन के साथ ग्रुप में मिलके किसी एक एम को या जो एम हमने सेलेक्ट किया है जो भी एम हमने सेलेक्ट किया है उस एम को सक्सेसफुली अचीव कर सके क्लियर है ये सबको कि मैनेजमेंट क्या होता है बेसिकली मैनेजमेंट वो होता है कि जो काम करने के लिए उसके अकॉर्डिंग एन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि जो पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वो ग्रुप्स में अपना अपना काम कंप्लीट करें ठीक है कोई किसी के काम में इंटरफेयर ना करे जिससे कि कोई भी काम को लॉस हो क्लियर है तो मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना जिससे कि सबको इजीली काम करने का मौका मिले और जो भी एम सेलेक्ट किया है हमने वो एम कंपनी का अचीव हो जाए क्लियर है तो ये जो डेफिनेशन थी ये किसने कौन से प्रोफेसर ने दी थी उनका नाम है हरॉल्ट कूंस एंड हीज वेरिच, क्लियर है ये इनके अकॉर्डिंग इनकी जो डेफिनेशन है ये हमने आपको बताइए ठीक मैनेजमेंट इज अ वेरी पॉपुलर टर्म एंड हैज बीन यूज एक्सटेंसिवली फॉर ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज एंड मेनली फॉर टेकिंग चार्ज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज इन एन एंटरप्राइज तो मैनेजमेंट क्या होता है कि एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है जिसको हम लोग जनरली कई जगह पे सुन सकते हैं इसको ठीक? और इसका यूज जो होता है वो कई तरीके से होता है हर तरीके की एक्टिविटीज में इसका यूज होता है ठीक है तो मैनेजमेंट का मेन एक्टिविटी uh, क्या होती है कि जो भी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज हैं उनको किस तरीके से परफॉर्म कराना है ठीक है करना नहीं है कराना है इसी को मैनेजमेंट बोलते हैं ठीक है तो किसी भी एक एंटरप्राइज में कि, जितनी भी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती हैं उनको किस तरीके से कराना है ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है। पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग डाइवर्स टास्क बट दे आर ऑल वर्किंग टू वर्ड्स द सेम गोल किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो वहां पे वर्कर्स हैं या जो पीपल्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं मेंबर्स हैं स्टाफ है वो सब क्या करते हैं एक ही गोल को अचीव करने के लिए अलग अलग तरीके के टास्क या वर्क परफॉर्म करते हैं मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग टू टुवर्ड अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव जिसको हम गोल कहते हैं तो जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं मैनेजमेंट में भले ही वो अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन उन सबका काम मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि वो सब जो काम कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में काम करेंगे ठीक तो मैनेजमेंट का काम ये होता है ऐसा डायरेक्शन उनको प्रोवाइड कराना जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो जाए दस मैनेजमेंट हैज टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट इज मिनिमम इज तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि जो भी टास्क दिया गया है वो कंप्लीट हो जाए और जो गोल है वो अचीव हो जाए किस तरीके से ना तो उसमें ज्यादा ना तो उसमें ज्यादा रिसोर्सेज खर्च किए जाएं और ना ही उसमें कॉस्ट ज्यादा खर्च किए जाए मीन्स मिनिमम कॉस्ट पे बेस्ट वर्क किस तरीके से करना है ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है या बताता है ठीक तो अभी यहाँ पे हमने दो वर्ड पढ़े इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी अब इनके बारे में समझते हैं ये क्या होते हैं तो सबसे पहला है हमारा इफेक्टिवनेस बीइंग इफेक्टिव एंड डूइंग वर्क इफेक्टिवली बेसिकली मीन्स फिनिशिंग द गिवेंट टास्क इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा टास्क है उसको फिनिश करना क्लियर है इफेक्टिवनेस का मतलब होता है जो भी टास्क है उसको ऑन टाइम कंप्लीट करना इफेक्टिवनेस इज इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स तो मैनेजमेंट में जो इफेक्टिवनेस है इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा टास्क है वो सही टास्क हो ठीक उस जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट की गई हो और जो हमारा गोल है वो अचीव किया गया हो इन अदर वर्ड्स इट इज़ कंसर्न विद द एंड रिजल्ट दूसरे वर्ड में हम क्या कह सकते हैं कि जो इफेक्टिवनेस है वो क्या है एक हमारा एंड रिजल्ट है मतलब किसी भी काम को परफॉर्म करके उससे हमें एंड रिजल्ट प्रोवाइड करना है इसी को बोलेंगे हम लोग इफेक्टिवनेस क्लियर है नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंसी एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो टास्क हम लोग कर रहे हैं उसको सही तरीके से करना और कम से कम कॉस्ट खर्च करके देयर इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इसमें क्या होता है एक तरीके का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व रहता है ठीक है और इसमें हम क्या समझते हैं जो रिलेशनशिप होता है किसी एक इनपुट और आउटपुट में इसके बारे में हमको बताया जाता है इफ बाय यूजिंग लेस रिसोर्स मोर बेनिफिट्स आर डिराइव मीन्स अगर हम कम से कम रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका आउटपुट मिल रहा हो या रिजल्ट मिल रहा हो देन एफिशियंसी हैज़ इंक्रीज इससे क्या होगा हमारी एफिशियंसी इंक्रीज होगी मीन्स कम से कम रिसोर्स यूज करके हम कैसे अपने काम को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं या ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं इसको ही बोलते हैं हम लोग एफिशियंसी क्लियर है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा आता है इसी चैप्टर में टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट ठीक देयर आर सम एलिमेंट्स दैट मे बी कॉल्ड द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कह सकते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हैं क्लियर है सबसे पहला आता है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस जैसा कि पहले हमने बताया आपको मैनेजमेंट क्या डिसाइड करता है एक एम डिसाइड करता है कि हमें किस डायरेक्शन में अपना वर्क या जो भी एक्टिविटी है उसको किस डायरेक्शन में हमें परफॉर्म करनी है वो एक एम डिसाइड करता है ठीक तो इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बोला जाता है सेकंड आता है हमारा मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव ठीक तो मैनेजमेंट इज ऑल पोवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट हर जगह पे यूज होता है ठीक मतलब छोटे से छोटा काम हो बड़े से बड़ा काम हो वहां पर मैनेजमेंट आपका यूज होता है क्लियर है ये सबको नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल मीन्स जैसे कि इससे पहले वाले पॉइंट पे हमने बताया आपको कि मैनेजमेंट जो है वो हर तरीके के प्रोसेस में काम आता है या हर एक्टिविटी में मैनेजमेंट होता है उसी तरीके से जो मल्टी डायमेंशनल होता है मींस तरह तरह के काम करने में भी मैनेजमेंट यूज़ होता है ज़रूरी नहीं है एक ही तरीके का काम करने के लिए मैनेजमेंट यूज़ हो हर जगह पर मैनेजमेंट यूज होता है मैनेजमेंट इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस तो यहाँ पर आपको इसी पॉइंट में ही आपको इसका आंसर मिल रहा है ठीक कहने का मतलब है मैनेजमेंट जो है वो एंडलेस है मींस अगर आपका एम कंप्लीट हो गया उसके बाद भी आपका मैनेजमेंट वर्क करता रहता है मींस मैनेजमेंट जो फंक्शन है वो वर्क में रहता है मैनेजमेंट खत्म नहीं होता है कभी भी किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं तो क्या होता है मैनेजमेंट कंटिन्यू चलता रहता है आपको एक टास्क दिया गया वो टास्क आपने कंप्लीट किया नेक्स्ट टास्क मिल गया आपको ठीक तो इसलिए इसी को मैनेजमेंट को हम लोग बोलते हैं कॉन्टीन्यूस प्रोसेस क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होता है क्लियर है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी जैसा कि मैंने आपको बताया था इसकी डेफिनेशन में कि मैनेजमेंट क्या करता है आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट बना के देता है या उसको डिज़ाइन करके देता है जिससे कि जो इंडिविजुअल पर्सन है वो ग्रुप में काम करें और उससे एक हमारा जो एम है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो ठीक इसलिए बोला जाता है मैनेजमेंट जो होती है वो एक ग्रुप एक्टिविटी होती है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन जो मैनेजमेंट होता है वो सिंपल एंड डायनेमिक फंक्शन होता है ठीक है मतलब बहुत ही ईजी होता है ज़्यादा टिपिकल नहीं होता और उसको अच्छे से परफॉर्म किया जा सकता है एंड लास्ट बट नॉट बट नॉट द लीस्ट मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स तो जो मैनेजमेंट होता है हम उसको देख या छू नहीं सकते हैं ठीक वो ऐसा फोर्स होता है जो सबको फॉलो करवाता है उनके एम्स के प्रति जो भी उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं उसको ठीक इसी लिए इसको बोला गया है मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स क्लियर है ये सबको तो जो हमारी आज की वीडियो है वो यहीं पे यहाँ ख़त्म होती है आप वीडियो को अच्छे से देखिए समझिए इसको और इससे रिलेटेड जो आपको वर्कशीट मिलेगी आप उसको अच्छे से कंप्लीट करिए क्लियर है थैंक यू